नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंटिक मोना वर्ल्ड पे। गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मोटिवेशनल थॉट्स के ऊपर, जो है नजरिए के ऊपर, हमारी जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है नजरिए के ऊपर, यानी कि हमारे जो नजरिया है उससे ही डिपेंड करता है कि हम कैसा सोच रखते हैं। दोस्तों, हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज होती है, और वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। हमारी जो ये दृष्टि है वही हमारी सोच पे डिपेंड करती है। दृश्य कुछ भी हो, पर हमारा अगर दृष्टि उसमें, अगर हम जैसा सोचेंगे हमें वैसा ही मतलब अपने आप पे दिखेगा कि वो कैसा है। तो दोस्तों, जो आकाश पे जो बादल रहते हैं, जो बादल के टुकड़े रहते हैं, तो लोगों को उस पे भी बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। किसी को बादल का टुकड़ा दिखाई देता है, तो किसी को शेर या तो किसी को खरगोश दिखाई देता है। तो सबके अपने अपने नज़रिया होते हैं, जो खुद को मतलब देखने का नज़रिया होता है कि वो कैसे उसे देखते हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक शॉर्ट से स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो कि आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। दोस्तों, एक जगह टाइम में एक आश्रम में एक मुनि रहते थे, और उनके साथ अपने शिष्य भी रहते थे। तो उस मुनि ने अपने शिष्य से पूछा कि संसार क्या है, अपने दृष्टिकोण से बताना। तो एक शिष्य ने बोला, गुरुजी, संसार बहुत ही बुरी है। तो गुरुजी ने पूछा, क्यों? क्योंकि ये जो संसार है, हमेशा दिन के बाद एक काली रात आती है, और हमेशा काली रात, अंधेरी रात आती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा दिन ही दिन रहे, हमेशा ऐसे ही प्रकाश रहे, ज्योति से हमेशा मतलब दिन जैसा है, रात भी मतलब अंधेरी रात में ही पूरा ही दिन रहे, तो तभी अच्छा लगता है। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, अच्छा। अब दूसरे शिष्य को बोला, अच्छा अब तुम बताओ। तो दूसरा शिष्य ने बोला कि गुरुजी, ये जो प्रकाश है, प्रकाश के बाद जो ये रात आती है, उसमें वो आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दिन है, दिन में सब लोग अपने कामों में जाते हैं, किसान हो या कोई भी ऑफिस में काम करने वाले हो, या कोई भी मतलब पक्षी हो, कुछ भी हो, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। और उसके बाद जब वो घर लौट के, थके हारे घर लौट के आते हैं, तब उसे अपने तब वो मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं। और वो जो तब रात आती है, जो ये रात होता है, हम जो दिन की जो ये सूर्यदेव जो महाप्रकाशित ये दिन है, उससे जब रात आती है, तो हम उस रात को अपनाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो हम दिन को, दिन के जैसा ही रात को भी प्रकाशित कर देते हैं, यानी कि दीपक जला के उसको प्रकाशित करते हैं। रात में जो हम लोग मतलब आकाश के ऊपर, आकाश की तरफ देखते हैं, तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, इतने सारे मतलब प्रकाश, बहुत सारे दिन की तरह प्रकाशित होते जाते हैं। तो इसीलिए दिन के साथ रात का आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये रात ही नहीं आता, तो हमें प्रकाश के बारे में पता ही नहीं चलता। ये रात को आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये जो पृथ्वी की जो सिस्टम है वो हमेशा मेंटेन में रहेगा। अगर आपके पास सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, तब आपको बुरे बात को कभी मतलब पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा अच्छाई और बुराई ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ आपको सक्सेस ही मिलते रहेगा, अगर आप कभी भी क्या है अनसक्सेस पता नहीं चलेगा, तब आप कभी भी उसको फील ही नहीं करोगे। दोस्तों, अगर हम दिन को ही, दिन में जैसा हम लोग मतलब जितना भी प्रकाश में रहते हैं, उसी तरह अगर हम जब शाम हो जाता है, तब हम दीपक जला के, अगर बाहर में हम लोग जब देखते हैं कि आकाश में कैसे तारे, चांद सितारे जैसे मतलब रहते हैं, उसमें अगर हम लोग सोच लें कि दिन की तरह ही रात भी कितना उजाला है, और हम लोग अगर उसको फील करते हैं, तो हमें कभी भी वो रात को काली रात, अंधेरी रात, बुरी रात ऐसा नहीं नजर आएगा। दोस्तों, तो वही मेन बात है कि आप लोग उसको कैसा सोचते हो। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपके अंदर ही है, आपको उसको सोचना है कि आपको कैसे सोचना है। अगर आपको सिर्फ अंधकार ही सोचोगे, तो आपको सिर्फ अंधकार ही दिखाई देगा। अगर आप उस अंधकार में भी
दीपक जला के भी उसको प्रकाश करोगे तब देखना आपकी जो माइंड है उसको भी पॉजिटिविटी यानी कि प्रकाश ही दिखाई देगा। तो दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो। दोस्तों हमेशा दिन के साथ रात आना बहुत ही जरूरी है और वो रात के बाद जब एक सुंदर सी सुबह आती है जो सबको एक मतलब ऊर्जा देती है वो बहुत ही जरूरी है। अगर हमेशा दिन ही रहता तो कैसा होता आप सोचो तो। इसीलिए दोस्तों अपने आप की जो दृष्टिकोण है उसको बदलो। आपका दृश्य कुछ भी हो आप अगर अपना दृष्टिकोण बदलोगे तो आप उसी के ऊपर पॉजिटिव सोच पाओगे और जब आप पॉजिटिव सोचोगे तब देखना आपके चारों तरफ आपको सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा जैसे उसने कहा था संसार के बारे में। दोस्तों हम लोग तो वैसे भी हमेशा यही सोचते रहते कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है सिर्फ बुरा ही बुरा होता है। पर आप लोग कभी ऐसा सोच के देखो तो उस बुरे के पीछे अच्छाई क्या है। शायद वो बुरा इसलिए हो रहा है ताकि आपको वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हो अच्छाई के अच्छाई में ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो वही मेन बात है। तो इसीलिए दोस्तों अपने दृष्टिकोण को हमेशा पॉजिटिव रखो। नेगेटिविटी को पास आने भी मत दो। नेगेटिविटी जब पास ही नहीं आएगा तो आपको सिर्फ चारों तरफ अच्छाई अच्छाई दिखाई देगा और आप भी दूसरों को भी यही सिखाओ कि आप लोग भी अपने दृष्टिकोण को हमेशा पॉजिटिव तरीके से लो तो देखना चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी ही रहेगा। इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक यही था कि दृष्टि कुछ भी हो दृष्टिकोण बदलो। अपना जो दृष्टिकोण है उसको हमेशा पॉजिटिव रखो दोस्तों तभी आप लोग खुश भी रह पाओगे और हमेशा इसी तरह स्माइल भी देते पाओगे। तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक यही था। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और अगर भी ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके दोस्तों बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। बाय।